मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को तीन युवकों ने अंजाम दिया है। लड़की के साथ तीन लोगों ने बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि शौच से वापस आकर नल पर हाथ पैर धो रही थी, इसी दौरान तीन युवकों ने उसे दबोच लिया। लॉकडाउन होने की वजह से सन्नाटा था और उसी का फायदा उठाते हुए ये तीनों युवकों ने उस नाबालिग युवती के साथ एक घर में बलात्कार किया। इस दौरान नाबालिग युवती बेहोश हो गई और तीनों युवकों ने बेहोशी की हालत में इसे गांव के ही एक नाले के किनारे फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खोंडारे थाना की है, जहां नाबालिग युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस दरिंदों को बचाने में जुटी थी, मगर मीडिया में मामला सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सुनिए नाबालिग पीड़िता और क्षेत्र अधिकारी राम भवन यादव ने क्या कहा है। हम 1 बजे घर के बाहर बाथरूम करने निकले थे, फिर वहाँ बाथरूम से निकले, अपने घर के बाजू में मेरे नल था, वहाँ पे हाथ पैर धुल रही थी। फिर उसके बाद में तीन लोग आए, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए अपने घर में, दरवाज़ा बंद किए, मेरे साथ गलत काम किए हैं। फिर गलत काम करके मैं बेहोश हो गई, फिर मुझे तीन लोग लेके आके नाली के पास फेंक दिए हैं। नाली के पास फिर मुझे जब होश आए तो मेरे घर वालों ने देखे हैं, नाली के पास मैं पड़ी थी। तो ये तीन लोग में से तीनों लोगों को आप जानती हैं? एक लोग को जानती हूँ। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या पुलिस से शिकायत की? हाँ, बोले तो कुछ मत बोलो, जाने दो। अच्छा, ये कौन कह रहा था? जो वहाँ के है सर, बोले तो जाने दो, एक बार गलती हो गई है, अब गलती नहीं होगी किसी से। बोले लड़के को जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब सजा दे। किसको? लड़के को। कितने लोगों? तीनों जन को। उन लोगों ने लाके फेंक दिया मुझे नाली के पास, जेल में भेजा जाए, जेल में। थाना फड़ारे पर तीन लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।